नमस्कार, मैं अभी किशनगंज में हूँ और किशनगंज की कुछ बेटियाँ हैं मेरे साथ और एक प्रोफेसर साहब भी हैं। आपका नाम प्रोफेसर शफी अहमद है? जी हाँ, जी हाँ। मैं पहले सबका परिचय करवा देता हूँ। आपका नाम क्या है? आमिर अहमद। आमिर अहमद, आपका? सुम्बुल शफी। फिर से एक बार बताइए। सुम्बुल शफी। सुम्बुल शफी। आप? अर्शी गौर। नाजिया गौर। सूफिया गौर। तो आप सारे लोग स्टूडेंट हैं? जी। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स लास्ट ईयर। आप लोग के सामने कुछ सवाल हैं जो कि खास करके अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और ये उस पार्टी के भविष्य का सवाल है जो 15 साल से सत्ता में थी और उसके पहले एक और पार्टी थी लालू प्रसाद यादव जी की जो कि 15 साल सत्ता में थी। 30 साल में बिहार, आप लोग के जाहिर से बातें हो सकता है आप लोग की उम्र 30 साल ना भी हो लेकिन आप मोटा मोटी एक समझती होंगी कि लालू जी को जानती होंगी, नीतीश कुमार को जानती होंगी, तो इन 30 सालों में बिहार में क्या कुछ बदला है और अभी जो चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन से मुद्दे हावी रहेंगे या फिर नकली मुद्दे ही हावी रहेंगे? प्रोफेसर साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। आप तो किशनगंज को भी जानते हैं, बिहार के पॉलिटिक्स को भी जानते होंगे, तो आप क्या फ़र्क कर पाते हैं मोटा मोटी 15 साल नीतीश कुमार का और 15 साल लालू प्रसाद यादव का? 15 साल जो गुजरा लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार का, वहाँ एक बात की बड़ा इत्मीनान रहा था कि पीसफुल इन्वायरमेंट बिहार में नज़र आ रहा था, किसी तरह का कोई भेदभाव जात धर्म के बुनियाद पर नज़र नहीं आता था और डेवलपमेंट तो कमोबेश अनसेटिस्फैक्टरी हर पीरियड में रहा, उस पीरियड में भी रहा, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि लोग इत्मीनान से कहीं भी एक जगह से दूसरे आ जा सकते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे, एजुकेशन हासिल करते थे, कहीं कोई खौफ का माहौल नहीं था। लेकिन इस अभी नीतीश कुमार जी के पीरियड में थोड़ी तब्दीली आ गई है। डेवलपमेंट तो जो भी हुआ है ठीक रहा, पीसफुल इन्वायरमेंट रहा, लेकिन थोड़ा खौफ का माहौल इस वक्त व्याप्त है पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में, जिसको लेकर लोगों में घुटन सा महसूस होता है और लोग इस बात की आशा करते हैं कि ये घुटन वाला माहौल बिहार से और पूरे देश से जल्द समाप्त हो। तो आप बताएं कि नीतीश कुमार को आपने 15 साल से शायद आपने देखा ही होगा, उसके पहले आपने लालू यादव के बारे में सुना होगा, आप दोनों में क्या फ़र्क कर पाती हैं? दोनों को मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं तो क्या आपको अंतर लगता है? एज ए स्टूडेंट मैं अपने मतलब अगर मैं सरकार की बात करूँगी तो मैं डेवलपमेंट को देखूँगी और डेवलपमेंट हमेशा एजुकेशन से ही आएगा। बट हमारे जो मैं लालू के बारे में जो सुनी हूँ, बस मैं सुनी हूँ, पर मैं नीतीश को जो मैं देखी भी हूँ, सो मैं एज अ प्राइमरी जो डेवलपमेंट के लिए मैं एजुकेशन लूँगी। बट हम तो हमारे बिहार का कल्चर जानते हैं कि हमारा एजुकेशन कितना ज़्यादा ही बैक है। सो बट अब जो है कल्चर हमारा जो भी इन्वायरमेंट करंट हमारा सिचुएशन चल रहा है, पीस तो है ही नहीं कि सिर्फ मार काट और बेटियाँ तो हमेशा से ही अनसेफ रही है। बट अगर हम एजुकेशन को लेकर अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं तो हमें पेरेंट्स हमें अब भेजना भी चाह रहे हैं, बेटियां तो क्या बेटों को भी बाहर नहीं भेजना चाह रहे बिकॉज ऑफ खौफ, क्योंकि पीस नहीं है यहाँ पे, लोग कास्ट धर्म जाति को लेकर मार काट स्टार्ट हो गया। तो हमें अभी बस पीस चाहिए किसी तरीके से, हमें ऐसा गवर्नमेंट चाहिए। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते बट हमें ऐसा लीडर ज़रूर चाहिए जो पहले पीस लाए हमें और हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोचे। अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार का, उसमें जो ये कह रही हैं कि हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो कि पीस को कायम रखे और उसको भंग न होने दे, आपको कोई ऑप्शन दिखता है? देखिए, जो भी हमारे जो भी अभी लीडर्स हैं तो वो तो सब अपने अपने जगह पर सही हैं, बट हमें अभी ऐसा सिचुएशन, अभी जो हमारा किशनगंज का सिचुएशन है या हमारे देश का जो भी सिचुएशन है उसमें तो लोग खौफ ज़्यादा हैं, ये तो बात साफ है। मगर अभी हमें कह तो एज अ लीडर तो अभी हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आपको भी लगता है आमिर की बस वादे ही होते हैं और फिर वादा खिलाफ? जैसे देखिए, अगर ये इंडिया पॉलिटिकल, अगर हम लोग इंडिया का पॉलिटिकल पूरे जब अगर पीछे से देखेंगे बैकग्राउंड से, तो हम लोग को ये ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, रूट लेवल से। इसका मेन काउज है क्या, कहाँ से, सरपंच से, वार्ड काउंसिलर से, उसका इसको स्टेट वाइज लेके जाना पड़ेगा, उसका जिसको सेंट्रल लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। इसका जो रूट काउज स्टार्ट होता है वो ज़मीनी स्तर पर हम लोग को उतर के देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर फेस हो रहा है। कि अगर कोई बड़े लोग, कोई बड़े मिनिस्टर अगर विधानसभा में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के वो बिल पास कर रहे हैं, एक्ट पास कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो नज़रिया है, जो ज़मीनी स्तर पर रहना चाहिए कि लोग असली कहाँ पे दिक्कत फेस कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उस चीज़ पे थोड़ा सा ढिलाई है मेरे नज़रिए के हिसाब से।
एज पर माई विज़न वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि कुछ वहाँ पर मिसचीफ एक्टिविटीज़ हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली एक यूथ लीडरशिप भी उभरता दिखता है, जैसे कन्हैया आए, उमर खालिद आए, सहला राशिद आई, चंद्रशेखर हैं। क्या इन युवा तुर्कों से कुछ उम्मीद आपको दिखती है या कुछ कर पाएंगे, या फिर जो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है इस देश की, इस डेमोक्रेसी को, उसी में शिफ्ट कर जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल युवा लीडरशिप के पक्ष में हूँ, खा कन्हैया जी हों, तेजस्वी जी हों, या इस तरह के जो भी यूथ लीडर्स उभर रहे हैं, गुजरात में भी हैं, बिहार में भी हैं, तो इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए कि इनकी सोच नई है। इनकी सोच नई इस माने में ज़्यादा अच्छी होगी कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चाहिए हमको, ये हमसे बेहतर समझते हैं। चुनावी राजनीति में जो लोगों को पोलराइज करने का जो तरीका होता है, कई बार लोग जाति के नाम पर करते हैं, कई बार लोग मजहब के नाम पर करते हैं, लेकिन आपकी जो पब्लिक लाइफ होती है, पब्लिक लाइफ में धर्म की कितनी जगह होनी चाहिए, क्या इतनी जगह होनी चाहिए कि उसके नाम पे लोग जाकर वोट कर सकें? बिल्कुल भी नहीं, धर्म के नाम पे तो हमें कुछ भी करना ही नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले हमें ज़रूरत है हमें एजुकेशन की, हमें डेवलपमेंट की, हमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ मेरे ख्याल से कि हमें धर्म के नाम पे तो बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे हमें धर्म के नाम पे नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें डेवलपमेंट कैसे हो हमारे देश का, हमारे कंट्री का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे रोज़गार हो। और अभी तो करंट सिनेरियो तो सब लोग जान ही रहे क्या है क्या नहीं है, तो हमें बस अपने लिए करंट सिनेरियो के बारे में कुछ बताएंगी आप, मतलब आप जितना समझती हैं अपने हिसाब से? हमारा देश अभी हमारा कितना, हमारे GDP नीचे लो हो गया है, हमारे रोज़गार बिल्कुल मतलब लगभग ख़त्म ही होने वाले हैं, और हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल, एजुकेशन तो हमारे हमेशा से पीछे ही रहा है हमारा। एज़ किशनगंज की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि किशनगंज में हमें क्या होता है, बैचलर डिग्री के लिए हमारे पास ऑप्शन है, कहीं अगर किसी को मास्टर्स करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, किशनगंज से बाहर आउट ऑफ किशनगंज जाना पड़ता है। और अभी जो सिनेरियो है गर्ल्स को लेकर, जो पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते, इससे कहीं ना कहीं जो गर्ल्स है उनको एजुकेशन लेने में दिक्कत हो रही है। आपके इलाके में एक नए नेता आ रहे हैं ओवैसी साहब जी, और उनका लॉजिक है कि अब तक जो मेनस्ट्रीम पार्टियां रहीं, कांग्रेस, BJP, JDU और राजद, उन्होंने एक तबका है उसको छला है, जो उनको हक मिलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया है। कई मामलों में उनका तर्क भी सही है, गलत नहीं है, तो क्या उनकी राजनीति को किशनगंज में जगह मिलेगी पूरे सीमांचल में? आपका क्या अपना अनुभव है? मेरा अपना अनुभव है, जैसे कि अगर देखा जाए तो यूथ जो है सीमांचल के, वो लोग कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर हैं असदुद्दीन ओवैसी जी के तकरीर और बयान से और उनके किए गए वादों से। लेकिन पिछले साल जैसा कि देखा जाए किशनगंज विधानसभा सीट से ही AIM के MLA जो प्रत्याशी थे उन्होंने जीत प्राप्त की, लेकिन वक्त बस एक साल का है और फिर अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, और जैसा सुनने में आ रहा है कि नियर अबाउट 54 सीट्स पे AIM फिर से इस बार विधानसभा इलेक्शन बिहार में लड़ेगी। और ये एक एज अ होलिस्टिक थिंग है ये, कि इन खाली एक लीडर का ये सोच नहीं होना चाहिए, उनके साथ जो पीछे खड़ी उनकी ये है कैंडिडेट है उनका सोच क्या होना चाहिए। खाली एक लीडर के सोचने से कुछ नहीं होगा, एक लीडर उसी वक्त वो लीडर का पहचान कहलाता है जो लोग उनके पीछे खड़े हैं, उनके दिल में कितनी सच्चाई है और उनके दिल में क्या सच्ची भावना, कैसे पता करेंगे उनकी सच्चाई दिल में क्या है, कैसे उनकी भावना क्या है? ये तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, अमूर्त जैसी चीज़ें हैं जी, क्या आपको नहीं लगता है? नहीं, इतनी भी नहीं कह सकते आप, जैसे मैंने बोला था क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, बहुत कोई भी लीडर अचानक से नहीं आ जाएगा ना लड़ने के लिए, उससे पहले उसका बैकग्राउंड होगा ऑब्वियसली। जो इंसान जिस इंसान हमेशा से गलत कर रहा है, हम लोग किसी को भी देख के या उसके बैकग्राउंड को देख के कुछ तो मालूम कर ही सकते हैं उसके बारे में कि वो कैसा लीडरशिप कर सकता है, कैसा। उनके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे वो कोई खास पसंद नहीं है, मतलब मुझे नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो बयान होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कभी कभी। और इंडिया एक सेक्युलर कंट्री, इंडिया में हमें ऐसी लीडर, मतलब कहीं पे भी ऐसे लीडर की ज़रूरत नहीं है जो इंडिया को कंट्रोवर्सी में किसी टाइप के चीज़ में इन्वॉल्व करे। हम लोग हर कोई चाहते हैं कि इंडिया डेवलप करे, एजुकेशन के हिसाब से हुआ या किसी भी चीज़ के हिसाब से, डेवलपमेंट चाहिए, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए हमें। आपका भी यही सोचना है? जी बिल्कुल।
आप जी बिल्कुल जैसा उसने कहा बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमें बिल्कुल हमें जैसे एक जात को लेकर या एक हमें चाहिए ही नहीं, डिबेट चाहिए ही नहीं। आपको पता होगा कि किशनगंज में 67% मुस्लिम हैं, लेकिन आप जब बैठ के हम लोग बात, आपने बताया कि यहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ आज तक, आपके यहाँ कोई आए उनका नाम दिनेश था, बोले कि देखो ये कौन है, घर में गया फैमिली के साथ, फैमिली की तरह गया, बिना पूछे जाएगा, काम करेगा अपना जाएगा, तो किशनगंज की एक मतलब फैब्रिक रही है। आपको लगता है कि एक नई किस्म की जो राजनीति आती है इन चीज़ों को तोड़ने की कोशिश करती है वोट बैंक के लिए? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किशनगंज के बारे में हम लोग कहते हैं हो सकता है हम एजुकेशन या इकोनॉमी या कल्चरली भी हम थोड़ा बैकवर्ड हो, कमज़ोर हो, लेकिन एक यानी गरीब हो एजुकेशन में या इकोनॉमी में या रोज़गार में या खेती बाड़ी में कमज़ोर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन एक मामले में हम पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अमीर हैं, सबसे ज़्यादा दौलतमंद हैं, वो है इस इलाके की भाईचारगी, मजहबी सौहार्द। यहाँ मजहबी सौहार्द, मजहबी हमाहंगी, मजहबी रवादारी इतनी ज़्यादा है जिसकी मिसाल, जिसकी नज़ीर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलती। हमको इस बात पर किशनगंज पे फ़ख्र होता है। इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं कि यह सब भावना हमेशा बनी रहे और किशनगंज आबाद रहे। नमस्कार।